हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिनी ब्लॉग। और आज हम लोग ने 29वीं इफ्तारी कर ली है, तो मैं अभी आ गया हूँ छत पे चांद देखने। और चांद ढूंढते हैं, अभी नज़र आ गया तो मुझे तो लग रहा है कि आज ईद होगी। और तो देखते हैं कि आज ईद होगी या नहीं होगी, तो बस देखते हैं कहाँ हो चांद, कहाँ। तो मैं जा रहा हूँ ऊपर चांद देखने। तो वही मैं आ गया हूँ छत पे और हम लोग देखने लगे हैं चांद कहाँ है। भाई चांद कहाँ हो, कहाँ से निकलता है चांद? हाँ, तो चांद इधर से ही कहीं से निकलेगा, तो वेट करते हैं और देखते हैं कब आएगा चांद। मैं तो यहीं बैठ रहा हूँ चांद देखने रहा हूँ यार। यहाँ मैं 10 मिनट से बैठा हुआ हूँ, चांद तो नज़र ही नहीं आ रहा। ये सारे ना क्लाउड, पूरा ये बादल है साइड पे, तो मुझे नहीं लग रहा कि आज चांद नज़र आया। फिर भी पिछले बार तो 11 बजे चांद नज़र आया था, इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि सहरी के टाइम हम सहरी कर रहे होंगे और खबर आ गई कि चांद नज़र आ गई 7 बजे। अब आ जाओ हमारे पास। तो भाई ये पाकिस्तान गवर्नमेंट है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो जा रहा हूँ अभी मार्केट आपी को लेके, तो आगे देखते हैं कि चांद कब नज़र आता है। और फिर हैदरी भी अभी जाना है शॉपिंग पे, तो देखते हैं क्या होता है। रात बहुत बड़ी, आज तो जागने की रात है, तो ठीक है। तो भाई अभी ठीक है कि हम लोग आए हैं मार्केट में और आप रश है, तो ये रश है भाई, ये रश और ये रश है। और हम लोग ट्रैफिक पे फंस चुके हैं, ये हमारी 1-2 और बहुत बुरा फंस गए। तो देखो कर रहे हो यार, कोई सीन ही क्या, हम इतने ट्रैफिक में फंस फंसा के आखिरकार हम 1 घंटा लगा के हम आ गए हैं दोबारा मलिक कैफे। आज हमजा साथ है हमारे और ता भाई साथ है। हम आ गए, ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर क्या किया था, इफ्तारी की भी है तो हम लोग ने बस एक जिंगर बर्गर किया था, 2 चीज़ बर्गर किया था और स्टिंग, बस यही, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर डायरेक्ट सहरी करेंगे, चांद के भी इंतज़ार में आज तो लग रहा है कि 4-5 बजे खबर आएगी कि आप सहरी ना करें, आप ईद मनाएं। तो ये लग रहा है अभी, इसलिए आसरे में सारी तैयारी वगैरह कर ली, कपड़े वगैरह ले आए, व्लॉग दिखा नहीं पाए हर जगह, वहाँ में घुर रही होती है, इस वजह से मैं दिखा रहा नहीं होता हूँ। जो प्राइवेसी जगह में होती है वहाँ मैं दिखा पाता हूँ। तो अभी ऑर्डर आता है, उसके बाद मिलते हैं। सीन ये कि हमारा ऑर्डर आ गया, ये रहा मेरा चीज़ बर्गर और ये जिंगर है और ये भी जिंगर है। कोल्ड ड्रिंक ला रही नहीं है, अभी कोल्ड ड्रिंक आती है, पहले ये खाना ख़त्म करते हैं, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो अभी सीन ये है कि टेलर ने कपड़ा सीए लूज और उसको कॉल किए तो कह रहा है कि ईद बाद आना। इतना अच्छा बोला, मैं तो कपड़ा लाया हूँ, और ये क्या कह रही, बस अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, आता हूँ देखते हैं। तो अभी बालशाल कटवा ली है, मेरी शटिंग हो गई है, तो बस इफ्तारी का टाइम है, अभी इफ्तारी कर रहे हैं, फिर घर शर के सामान लाने। ईद है सबको, ईद मुबारक, चांद रात मुबारक। तो बस जा रहा हूँ इफ्तारी करने, फिर सामान लाने। उसी नहीं हुआ है, टेलर ने कपड़े कर दिए सर, हाँ सब क्या करें, उसी को पहनना मजबूरी है। एक दिन पहले मैंने चेक किया तो आज पता लग रहा है कि भाई कपड़ा ख़राब हो, टेलर कह रहे हैं कि आना तुम ईद बाद, ईद बार ठीक करें। वही इफ्तारी वगैरह कर ली और मैं आ गया हूँ चांद देखने। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है चांद, तो इसके ऊपर जाते हैं। अभी चांद तो आज भी नहीं नज़र नहीं आ रहा। सीनियर के पूरे मोहल्ले में चांद नज़र आ गया, लेकिन मुझे चांद नज़र ही नहीं आ रहा है। आप लोग ढूंढ के बता दो चांद है कहाँ, कहाँ हो चांद, यहीं कहीं होगा चांद और मुझे दिख रहा नहीं है कहाँ है, इस मोबाइल में दिख जाओ। मुझे तो चांद नहीं दिखा और मेरा कज़ान साहब है तकाब से उठा था, मैं तो जा रहा हूँ साहब को लेने। अभी मैं जाऊँगा दानियल के घर, दानियल को लूँगा, उसको ले कर साहब को जाएंगे, साहब को आज लेने, वेलकम, आज से एहतकाफ बैठा था तो उसको लेके आके लेके आता हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो भाई सीन है कि मैं आ गया दानियल के घर, ये रहा दानियल उड़िया भाई,
इसका भाई, आज छोटाला भाई इसका बैठा है ज़काफ़ पे, तो उसको लेने जा रहे हैं। तो चलो मस्जिद पे तो व्लॉग पता नहीं बना पाऊंगा, नहीं सब घूर रहे होते हैं। फिर इसको देखो मोबाइल चला रहा है मस्जिद में भी, तो मस्जिद में पता नहीं व्लॉग बनाऊंगा नहीं। इसकी शक्ल दिखा दो मुझे ज़काफ़ में, कितना नूर आया चेहरे। जा नहीं पाया, अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो उसके बाद फैजान घर आ गया, वो कह रहा है कि चलो लकी वन उसको शॉपिंग करनी थी। फिर हम लोग क्वारी के लिए चले गए लकी वन, तो वो दिखाता हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कि हम लोग आ गए हैं लकी वन, तो फैजान को शॉपिंग करनी थी, तो मैं फैजान अभी लकी वन आ गए हैं, तो शॉपिंग करते हैं। अभी बज रहे हैं एक, तो अभी एक बज रहे हैं, हम लोग जाते हैं शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, सुबह तक घर जाएंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद सो जाएंगे, ठीक है। हेलो गाइस, तो हम आप आए शॉपिंग करते हैं ठीक की यासिर के साथ। तो यासिर भाई, यासिर भाई बहुत परेशान हो गए। सीन ये हुआ कि इस बंदे ने मुझे कॉल कराया और मैं पिछले 3 घंटे से घूम रहे हैं, लिया हुआ कुछ भी नहीं है, नहीं ये समझ नहीं आ रहा, ये नहीं, अबे रेट बहुत हाई है, ये है वो है। 3 बज गए हैं, फजूल में टाइम ज़ाया किया। अब हम लोग बस जा रहे हैं घर, कुछ खिला दिया करिए तो खा लेंगे, उसके बाद जा रहे हैं घर। और अभी हम लोग आ गए हैं खाने पर, शनवारी आए हुए, तो ऑर्डर किया हुआ है, खाना आ रहा है, खाना आता है खाते हैं फिर घर जाते हैं। 4 बज गए, तो वही घर आके तो मैं सो गया था 5 बजे, तकरीबन 5-6 बजे घर आया था, सो गया था। अभी मैं उठूँ 7 बज रहे हैं, और सबको ईद मुबारक, और मैं जा रहा हूँ नहाने, फिर तैयार होगा वो, अभी अगला व्लॉग अभी से बनाना शुरू कर दूँगा उस व्लॉग में। तो मैं व्लॉग यहीं पेंड कर रहा हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ओके।